साइया तो मैं नहीं हूँ किसी का, बाकी सुपरस्टार भी नहीं हूँ, और वक्त का क्या बताया किसी को। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज ईशान सेठी, एंड इफ यू वाचिंग मी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई वुड लव इट इफ यू हिट द सब्सक्राइब बटन राइट नाउ। मारे बटन दो घंटे दिख रही है बज आज, सो वी कैन गेट कनेक्ट एंड यू डोंट मिस एनी वीडियो फ्रॉम माय साइड। आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत टाइम से इस ट्रेलर को रिएक्ट करने को बोलता है, लेकिन पता नहीं किसी कारणवश मैं इस ट्रेलर को रिएक्ट नहीं कर पा रहा था। लेकिन जैसे कि आप लोगों को पता है और मैं बोलता भी हूँ कि हमारे चैनल पर देर है पर रंधेर नहीं मेरे दोस्त, सही है सुपरस्टार के मूवी के ट्रेलर को हम देखने वाले रिएक्ट करने वाले, जिसमें है पवन सिंह, आपका फेवरेट, मेरा फेवरेट। मुझे मजा आता है पवन सिंह के ट्रेलर्स को देखने में। ये 2017 का ट्रेलर है, लगभग 3 साल पुराना ट्रेलर है, तो मतलब थोड़ा बहुत पुराना होगा, उतना नया नहीं होगा, मतलब 3 साल पुराने के हिसाब से होगा। लेकिन पवन सिंह है तो मुझे लगता है बढ़िया ही होगा, डायलॉग्स होंगे बढ़िया होंगे। जैसे कि मैंने बोला कि पवन सिंह की डायलॉग डिलीवरी मुझे बहुत अच्छी लगती है, मतलब जब वो डायलॉग बोलते हैं तो लगता है कुछ वजनदार है। तो जल्दी जल्दी ट्रेलर देखते हैं, लेट्स फाइंड हाउ दिस ट्रेलर इज गोना बी, लेट्स गो। देश के भविष्य बनावे वाला ही अय्याशी के चादर ओढ़ लेवे, तो का होखी देश के हाल। सही बात, हे भगवान कौनो तो मसीहा आए जे हमने की दलदल से बाहर निकाले। जे लड़ाई हमने लड़े जाता नहीं, ये लड़ाई में कुछ भी हो सकेला। लेकिन हमार लड़ाई व्यवस्था से ना, व्यवस्था में आई गड़बड़ी से बाहर। सही बात है, व्यवस्था नहीं व्यवस्था में गड़बड़ी, ये भी है। लड़की में कौनो अंतर ना, ये हमहु मानी ले, हम तय कर ले ले बात, तू जहां रह बा हम वो ऐजे रह। गेंडा जैसा दे फुला के, दस बीस को पिल्ला पाल के, वो शेर के शिकार ना कर सके। सही बात है, मेरा कहाँ जाएगा नहीं शिकार। गोलाई क्या हमने सब के हर जेल में भिजवा के छोड़ी, पब्लिक के दिल से पुलिस के डर निकल गई, पर साम दाम दंड में कुछ भी करा, और लाश चाहिए हमरा के। ये तो सिर्फ लड़ाई का आगाज है, क्या असली जंग तो अभी बाकी है। सच में शेर भरे थे, हम हूँ शिकारी है, और हमारा के शेर का शिकार करे में बड़ा मजा आवे। जान के अगवा करके तुम लोगों ने अपने मौत को वक्त से पहले बुलाया है। अब तो हम अपन खेत छोड़ कर, अगर ओकरा बीच में केहू भी आए तो ट्रैक्टर के नीचे कुचल कर। सृष्टि की जान तू ही, सबसे महान तू ही, परमेश्वरी बलशाली मायम्बे जगदम्बे, तेरी महिमा है सबसे निराली। तू क्या लेकर आया था
जो लेकर जाएगा जो मेरा था वो मेरा है और मेरा ही रहेगा। ध्वनि के पाप के साम्राज्य खत्म करके लाखों दिलों में जगह बना के ही रहा। कुछ तो बात होती है यार पवन सिंह की मूवीज में, मतलब मूवीज में होती होगी, मतलब ट्रेलर में ही इतना बढ़िया लगता है तो मूवी तो कितनी ही बढ़िया होती होगी। मतलब मैं अगर बोलूँ तो मुझे पवन सिंह की डायलॉग डिलीवरी बहुत सही लगती है। मतलब जितने ही मैंने ट्रेलर रिएक्ट करे हैं, जितने भी हीरो को मैंने डायलॉग बोलते हुए देखा, उसमें पवन सिंह इज द बेस्ट। एक्शन भी इस मूवी में बहुत सही है, बहुत मजा आया ट्रेलर देखकर। दूसरा हीरो भी था, उसका नाम शायद चिंटू है, निक नेम चिंटू है, और असली नाम जो है वो मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, लेकिन हाँ मैंने उसके बारे में बोला कि ही इज ऑल्सो अ गुड एक्टर। बाकी इसमें जो एक्ट्रेस है वो भी मेरी फेवरेट है, जो कि मैं रिएक्शन जब से करने लगा तभी मुझे इन सब लोगों के बारे में पता चला, और वहां से मुझे मेरी वन ऑफ द फेवरेट एक्ट्रेस मिल गई जिसका नाम है अक्षरा सिंह। मैंने अक्षरा सिंह को इंस्टाग्राम पे फॉलो भी किया है, अगर आप इंस्टाग्राम पे हो तो उन्हें फॉलो करना है ना करना वो आपकी मर्जी, बाकी मुझे फॉलो करो इंस्टाग्राम पे, कनेक्टेड रहो मेरे साथ। और ये बोलने का एक रीजन और भी है, आप में से बहुत सारे लोग मुझे प्रेम गीत नाम के टीजर को रिएक्ट करने को बोल रहे थे, तो जितने भी लोगों ने मुझे कॉमेंट करके बोला प्रेम गीत टीजर को रिएक्ट कर दो, उनमें से मैं सब लोगों को कॉमेंट में रिप्लाई नहीं कर पाया, और कई के लोगों को मैंने पर्सनली मतलब जो कॉमेंट पे रिप्लाई उस पे करके बोला कि टीजर नहीं मैं ट्रेलर पे रिएक्ट करूंगा। और इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि इंस्टाग्राम पे आओ, मुझसे कनेक्टेड रहो, क्योंकि वहां मैं बहुत सारे लोगों को एक बारी में एक को इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ स्टोरी डालकर या पोस्ट डालकर। तो अगर आप इंस्टाग्राम पे हो तो आओ इंस्टाग्राम पे, मुझसे मिलो वहां पर और कनेक्टेड हो जाओ। बाकी हम ट्रेलर की बात करें तो ट्रेलर बहुत अमेजिंग है, गाने अच्छा है, वो जो पगली डांस जो उसका नाम था वो बढ़िया है। बाकी जो फिर वो एक गाना था जिसमें वो माता की पूजा कर रहे होते हैं, वो गाना बहुत सही है। मूवी में जो विलन है वो बहुत डेंजरस लग रहा है, और जितना विलन डेंजरस होता है उतना और मजा आता है। बाकी और मूवी में वही मतलब हीरो जो होगा वो हीरोइन को पसंद करता होगा, और जो विलन है वो बीच में आ रहा होगा, लेकिन जो हीरो का था वो है और रहेगा जैसे पवन सिंह ने मूवी में बोला था। सो आई एंजॉयड दिस ट्रेलर, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। बाकी मैं इस ट्रेलर को थम्स अप देता हूं। इफ यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक मी रिएक्टिंग टू दिस ट्रेलर, प्लीज गिव अ थम्स अप एंड डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। और हम बार बार आते रहेंगे नई नई वीडियो के साथ। सो विल मी अगेन सून, तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो, डू समथिंग प्रोडक्टिव। Wow.